मीट मछली नहीं बनाना है, लेकिन वो लोग बना रहे हैं, उसको किसी का नज़र नहीं है, अफसर लोग का, चूँकि उन लोग को मिलता है रकम। और हम लोग को गंदगी बोला, कम खाना दिया जाता है बोला, वही सब को दारू और मुर्गा में खरीदता है, हम नहीं जानते हैं। तो ये अफसर लोग का मनमानी है, और भी राशन डीलर वाला लेडीज लोग से भी बहुत मनमाना, लेकिन सब अपना पैसा दे लेके रफा दफा कर लेते हैं। यहाँ पर राजभवन के पास अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमेशा धरना होते रहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके धरना, मुख्यमंत्री किसी किसी का बात मान लेते तो धरना समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर एक नया धरना आते रहता है, मतलब धरना पर धरना होते रहता है। तो वैसे ही दो महिलाएं आई है यहाँ पर जगह देखने की, जगह का व्यवस्था कैसा है, यहाँ पर धरना हम लोग कैसे देंगे, और यही महिला से जानते हैं कि क्या है मामला, बताइए क्या है कुछ मामला। हाँ, हम लोग के साथ ही गद्दारी हुआ है कि हम लोग दाल, मुख्यमंत्री दाल भात चला रहे थे, सभी लोग ही चला रहे थे, जिसका नहीं चलने का जगह में भी चल रहा है, और हम लोग को तरह तरह का आरोप लगाया गया है जो नहीं था, और बंद कर दिया गया है, हम लोग सब महिला बेरोजगार हो गए हैं। तो ये आप कहाँ पे कर रहे थे? हेहल बस स्टैंड। क्या आपका तबीयत खराब है, बोल नहीं सक रहे, क्या बोल रहे थे? मेरा तबीयत खराब है सर, बोल नहीं सक रहे हैं। मेरा धुरवा बस स्टैंड में मुख्यमंत्री दाल भात चला रहे थे, लेकिन अभी बंद हो गया है सर, हम बोलने नहीं सक रहे हैं। तो अभी क्या कुछ कह रही थी कि मीट मछली बनता है वहाँ पे सदर के, मीट मछली नहीं बनाना है, लेकिन वो लोग बना रहे हैं, उसको किसी का नज़र नहीं है, अफसर लोग का, चूँकि उन लोग को मिलता है रकम, उन लोग को पैसा मिलता है, यही बोला चाह रहे हैं। तो आप नहीं पैसा दे रही हैं? नहीं, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको हटाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी बात है, जगह जगह पान घुमटी की तरह बना के उसमें 400 जनसंख्या लिखता है, उस पर कोई आरोप नहीं है, गंदगी चारों तरफ है, उस पर कोई आरोप नहीं है, मतलब और हम लोग को गंदगी बोला, कम खाना दिया जाता है बोला, वो सब कुछ गलत है, कम खाना देने तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब पूरा भ्रष्टाचार बढ़ गया। और मतलब और रिम्स के बारे में भी कुछ बता देते हैं, रिम्स में भी अंडा मीट सब बनता है, वो लोग भी पैसा देता है, वो तो अथी है, चावल सप्लायर है, वही सबको दारू और मुर्गा में खरीदता है, और पेशेंट को भी दारू मुर्गा नहीं, पेशेंट को नहीं, यहाँ आपूर्ति में वो साफ बोला कि हम दारू और मुर्गा में खरीद लेंगे और आप लोग को किसी तरह से होने नहीं देंगे। तो वहीं आप यहाँ पे धरना देने आए हैं? धरना में भी नहीं आए हैं, सोच रहे हैं धरना तो देना होगा। अच्छा, तब मतलब जगह देखने आए हैं? जगह देखने। तो क्या ये धरना कब तक चलेगा, एक दिवसीय धरना या अनिश्चितकालीन? देखेंगे, अनिश्चितकालीन ही, अनिश्चितकालीन करेंगे धरना। तो क्या आपका मांग किससे होगा, मुख्यमंत्री से होगा या मुख्यमंत्री से? हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी गए, वहाँ शिबू सोरेन के पास भी गए, डीसी के यहाँ भी लिख के दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग तो सरकार के पास ही गए, वहाँ उनका जो पीए हुए है बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा बात हो गया है ऐसा, मतलब उधर भी भ्रष्टाचार है। हाँ बिल्कुल है, चाहता तो सरकार चलवा सकता था। और हम लोग दो तीन दिन पहले एसवार के पास गए, उस साहब बोले मैंने किया है कैंसिल, आप लोग ने कंप्लेन किया, लेकिन जब 13 तारीख को चिट्ठी दिया तब हम लोग जाके 17 तारीख को कंप्लेन किए कि ऐसा नहीं। बस मुख्यमंत्री से ये लोग तो बोल रहा है ना कि उस समिति को नहीं देंगे, तो हम लोग बोले एसवार से सर दूसरा समिति से दीजिए, हम लोग के पास तो बहुत समिति वाले लोग हैं, किसी को भी दीजिए। तो साहब बोले हम तो ग्रामीण विकास अभिकरण से मांग लिखे हैं। हम लोग ये भी बोले कि कौन जगह है, तो बोले साहब बोले हम नहीं जानते हैं। तो ये अफसर लोग का मनमानी है। और भी राशन डीलर वाला लेडीज लोग से भी बहुत मनमाना, लेकिन सब अपना पैसा दे लेके रफा दफा कर लेते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।